योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए बजट पेश किया है। बजट में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। किन किन सेक्टर्स को क्या कुछ मिला है, देखेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट सदन में पेश किया गया है। योगी सरकार ने 6,90,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को सदन में पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बजट काफी कारगर साबित होगा। इस बजट में प्रदेश के चौमुखी विकास की बातें कही गई है, तमाम सारे बिंदुओं पर फोकस किया गया है। हम अपनी टीम के साथ में बजट के बारे में पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका समावेश इस बजट में किया गया है। हमारे सहयोगी रहेंगे सारिफ जाफरी, हमारी संवाददाता है अलमरा खान। लेकिन सबसे पहले मैं आलोक गुप्ता आपको बताना चाहूंगा कि इस बजट की खास प्रमुख बातें क्या है। सबसे पहले मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नए शहरों को डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बनारस गोरखपुर मेट्रो के डेवलपमेंट को लेकर, मेट्रो के विकास को लेकर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सीएम सिटी गोरखपुर में गोड़ धोड़िया नाला और रामगढ़ ताल के उसके विकास को लेकर और उससे जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को आने वाले दिनों में, गौ संरक्षण को लेकर भी 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो के लिए खाद के भंडार के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षक के लिए 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। बेसिक शिक्षा के तहत ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। माध्यमिक शिक्षा के तहत एक नई योजना को लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक मंडल पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कही गई है और इसके तहत विंध्याचल, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडल में एक एक स्टेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और इसके लिए करीब 150 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था दी गई है। खेलो इंडिया पर भी बजट में फोकस है, 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। जो प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल है, अयोध्या है, मिर्जापुर है, नैमिषारण्य है और यहाँ के विकास, शाम के समय होने वाली भजन संध्या के लिए भी बजट में व्यवस्था दी गई है। बौद्ध परिपथ के लिए 40 करोड़ और प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। शाकंभरी देवी मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। ग्रीन इंडिया, ग्रीन यूपी को लेकर नए पौधे जो लगाए जाएंगे उसके लिए तकरीबन 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 530 करोड़ रुपए की, नए जो जिले हैं उसमें कोल्ट परिसर की स्थापना के लिए भी 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अन्नपूर्णा योजना के तहत 27,791 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। उज्ज्वला योजना में 3,047 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। हमारे जो सहयोगी हैं सारिफ जाफरी, वो आपको बताएंगे लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किया है, किस तरीके से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की बात कही गई, अपराधियों पर किस तरीके से लगाया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारे सहयोगी सारिफ जाफरी आपको बजट में क्या व्यवस्था दी गई है वो बताएंगे। सारिफ जी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब तक का सबसे जंबो बजट पेश किया है। 2016 के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो करीब दोगुने से भी ज़्यादा बजट का आकार है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है सरकार का, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सबसे ज़्यादा दावा करती रही है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। और अगर 2022 के चुनाव की बात की जाए तो सरकार को कामयाबी भी मिली और बुलडोजर खूब चर्चित हुआ था। अब सरकार दावा यह कर रही है कि 2016 में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी उसके मुकाबले हालात बहुत बेहतर हुए हैं। डकैती जैसी घटनाओं में लगभग 80% की कमी आई है, जबकि लूट की घटनाओं में 60% से ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। इसी तरह हत्या, जो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, उसमें भी 33% की कमी दर्ज की गई है। सरकार ने शहीदों, जो कुल 73 पिछले एक साल में अगर बात की जाए, कुल 73 जवान शहीद हुए थे, चाहे वो बॉर्डर में शहीद हुए हों या फिर उत्तर प्रदेश में, उन सभी को 1,96,00,000 रुपए की
मुआवजा राशि दी गई है। सरकार ने आगे जो बजट की व्यवस्था की है उसमें व्यवस्था ये है कि कोई अगर बॉर्डर पर शहीद हो या जवान अगर उत्तर प्रदेश में शहीद होता है दुर्भाग्यवश, तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपए का न सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा बल्कि परिजन के किसी एक परिजन को, उसके परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सरकार लगता ये दावा है जो बजट पेश किया गया है उसमें जो सरकारी आवास है नए, जो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए तमाम ज़िलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था शामिल की गई, शुरू की गई है। प्रयागराज, इलाहाबाद समेत गाज़ियाबाद, कुल 4 जिलों में, इससे पहले से 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था चल रही थी, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। जो ऑफिसेज वगैरह बनेंगे उसके लिए 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिस के जवानों और ऑफिसर्स के लिए जो आवासीय आवास जो बनने हैं उसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अगर बात की जाए NHM यानी NHM ग्रामीणों के लिए जो व्यवस्था होती है उसमें 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। और आयुष्मान योजना जो कि गरीबों के लिए इलाज की व्यवस्था होती है, 5 लाख तक के एक परिवार को 5 लाख तक का उसमें इंश्योरेंस रहता है, अगर कोई बीमार होता है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उस परिजन के परिजन पूरे परिवार के लिए वो बीमा कवर रहता है। परिवार में 2 सदस्य हों या 4 सदस्य हों या 1 सदस्य हों तो 5 लाख तक का उसमें इंश्योरेंस दिया जाता है। उसके तहत सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा PHC के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 14 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसमें जोर इसी बात का है कि जिन ज़िलों में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है या जिन ज़िलों के आसपास भी नहीं है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिए जा सकें, ताकि जो लोग जो इलाज कराने के लिए जिनको दूर जाना पड़ता है उनको भटकना ना पड़े और वो सही से अपने ज़िलों के आसपास ही जो है वो इलाज करा सकें। ODOP योजना, सरकार ने इस योजना के तहत सरकार ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है इसके अंदर, ताकि जो लोग जहाँ जहाँ जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, नए MSME उद्योग जो है सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, इसके लिए भी सरकार ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे ब्रिजेस के लिए, क्योंकि तमाम देखा जाता है कि रोड पर जो ट्रैफिक जाम होता है, हाईवे पर जब लोग सफ़र कर रहे होते हैं या शहरों में भी जो रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पर काफ़ी वक्त लगता है, ऐसे में सरकार ने नए सिरों पर इस पर चयन किया है और 1850 करोड़ रुपये बजट में व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, कहीं जाम से मुक्ति दिलाई जाए, इसके लिए कुल 1850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अलावा राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए यानी हाईवे जो हैं उनको किस तरीके से और चौड़ा किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाए, उसके लिए सरकार ने कुल 2588 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि जो चौड़ीकरण का कार्य है वो आराम से किया जा सके। इसके लिए इसके साथ ही सरकार ने नई सड़कों के लिए 2538 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी सरकार की ये कोशिश है कि जो ज़िले हैं, ज़िलों में हर जगह जो सड़कें चौड़ी नहीं हैं उनका चौड़ीकरण किया जाए, और जहाँ पे सड़क नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, वहाँ पर नए सिरे सड़कों का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई ज़िले हैं, ख़ासतौर से बुंदेलखंड के, बांदा ले लीजिए, ललितपुर ले लीजिए, चित्रकूट, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को पानी पीने के लिए, ख़ास तौर से पानी पीने का लेने के लिए लोग गगरियां सर पर रखकर कई कई किलोमीटर दूर जाया करते थे। सरकार मिशन चला रही है कि हर घर नल योजना पहुंचे, यानी नल के जरिए हर घर में पानी पहुंचाया जा सके, इसके लिए सरकार ने 19,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट के अंदर की है। यानी आप समझ सकते हैं कि केंद्र की जो योजना थी उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कोशिश की है कि किसी सूरत से इसको और बेहतर किया जा सके, गरीबों तक जो कह सकते हैं बुंदेलखंड में जिन घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है उन घरों तक नल के जरिए पानी पहुँचाया जा सके। सरकार बिजली को लेकर लगातार दावे करती रही है कि बिजली व्यवस्था उन्होंने सुधारी है, ताकि बिजली व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। इसके लिए भी सरकार का अभी तक दावा है कि 14 घंटे ग्रामीण इलाकों में बिजली जा रही है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा के लिए 317 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। तो अभी तक जो था पिछले 50 सालों की अगर बात की जाए तो कुल 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, इसको बढ़ाने की कोशिश है और 22,718 करोड़ रुपये की इस मद में कोशिश दिया गया है, ताकि जो बजट तैयार हुआ है, जो बजट है उसमें बिजली की व्यवस्था और बेहतर की जा सके। PM आवास, शहरी आवास योजना के लिए 48,277 भवन अब तक बनाए जा चुके हैं, और इसको आगे भवन बनाने के लिए
सरकार ने बजट में व्यवस्था की हुई है। कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ रुपए, जबकि आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए भी 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। तो सरकार ने ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक बेहतर उत्तर प्रदेश, नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हर मद में बजट देते हुए लोगों, न सिर्फ लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए जो वादे किए थे 2022 के चुनाव में उस पर अमल करती हुई नजर आएगी, बल्कि जो सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश में वो भी और बेहतर होंगी। महिला कल्याण को लेकर किस तरीके से सरकार ने योजना बनाई है, बजट में क्या व्यवस्था की गई है, हमारी सहयोगी अलमरा खान बताएंगी। 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है और इस बजट की खासियत यह है कि इतिहास के अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़ों वाला ये बजट है जो योगी सरकार ने पेश किया है। देखिए, इस बजट को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ये बजट लोकसभा चुनाव को टारगेट करते हुए दिया गया है और इसका पूरा का पूरा साचा खींचा गया है। मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब 24 घंटे बिजली दी जाएगी, ये बजट में ये प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जीडीपी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जीडीपी रेट जो है वो 16.8% की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी जो 2017 में 14 से घट करके 4.2 हो गया है। ठीक है, बेरोजगारी घटी है, जीडीपी रेट में बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल इंडियन समिट में 19,000 एमओयू साइन किए गए हैं, उसका निवेश किया गया है। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन हो, गन्ना और चीनी उत्पादन हो, सब में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उत्तर प्रदेश नंबर वन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है ये हर वर्ग के लोगों को लेकर के रखा गया है, चाहे वो महिलाओं की बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, या बिजली उत्पादन की बात करिए, एयरपोर्ट बनाने की बात करिए, 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार आ रही है, चाहे वो रेलवे में अलॉटमेंट की बात करिए। तो देखिए, ये जो बजट है ये हर क्षेत्र में इस बजट को एलोकेट किया गया है, यानी कि योगी सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो योगी सरकार ने पेश किया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज बजट में खास तौर से जो नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, वो अपने पार्टी के विधायकों के साथ जब सदन पहुंचे तो उन्होंने शेरवानी पहनी हुई थी, उनकी वेशभूषा शेरवानी में थी, और कहा यह जा रहा है कि आजम खां के लिए वो प्रोटेस्ट करने के तौर पर वो शेरवानी पहनकर आए थे। हालांकि उनके पार्टी के जो नेता हैं उस बात से दरकिनार कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार का जो बजट है वो अब तक का सबसे बड़े आंकड़े वाला बजट है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो टैबलेट और स्मार्टफोन है वो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तौर पर अब दिया जाएगा, जिसमें 3,600 करोड़ एलोकेट किया गया है। साथ ही साथ ओडोपी से 1,35,000 रोजगार की व्यवस्था की गई है। खास तौर से अगर हम रोजगार की बात करें तो विपक्ष हमेशा हमला बोलता आया है कि बेरोजगारी बहुत है प्रदेश में, तो ऐसे में बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो निवेश किया है उसके जरिए यहाँ पे जो उद्योग लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में उससे काफी फायदा होने जा रहा है, यानी कि रोजगार के अवसर मिलेंगे युवाओं को। साथ ही साथ हर क्षेत्र की अगर हम बात करें, चिकित्सा को भी अधूरा नहीं छोड़ा है, कई जगहों पे अस्पताल बनाने की बात योगी सरकार ने की है, उसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। तो अगर हम इस बजट की बात करें ओवरऑल, तो इतिहास का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार ने जरूर पेश किया है, और इस बजट को देखते हुए उन्होंने किसी भी जो फील्ड है, यानी कि किसी भी फील्ड को अनछुआ नहीं किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, यानी कि हर चीज में उन्होंने बजट में प्रावधान किया हुआ है। खास तौर से महिला सुरक्षा की बात को लेकर के जो विपक्ष घेरता आ रहा था सरकार को, उसको देख करके उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं। जगह जगह जो एयरपोर्ट्स बनाने की बात की जा रही थी, 3 जगहों पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। मेदांता जैसे स्तर के अस्पताल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। तो ये जो बजट है ये काफी ज्यादा फ्रेंडली बजट बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि गोल्डन एरा का ये बजट है, और उम्मीद ये करते हैं कि ये बजट सभी वर्ग के लोगों के लिए फायदा लेकर के आएगा। जहां बजट के 2 दिन तक गहमा गहमी का माहौल रहा, वहीं आज तीसरे दिन बजट को बड़े ही शायराना अंदाज में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। युवाओं को रोजगार के अवसर इस बजट में देने की बात सरकार कर रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है ये लोगों के लिए काफी कुछ लेकर के आएगा।
सहारा समय के लिए आलोक गुप्ता के साथ शारिब जाफरी, कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।